एम्स के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के एक सर्वे के अनुसार देश के 18 लाख किशोर इनहेलेंट एडिक्टेड हैं। देश में ड्रग एडिक्शन की समस्या बच्चों को सबसे ज्यादा है। 4 लाख से भी ज्यादा बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और एम्स की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया में सामने आया है कि देश में 4,60,000 बच्चे और 18 लाख किशोर इनहेलेंट एडिक्टेड हैं और इन्हें मदद की जरूरत है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में सबसे ज्यादा बच्चे इनहेलेंट एडिक्टेड हैं। देश के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में 10 से 75 साल की उम्र के लोगों पर यह सर्वे किया गया है। एक और बड़ी समस्या शराब की है। 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं, जिसमें से 6 करोड़ लोगों को शराब की लत है। इनमें बच्चे, किशोर और बड़े सभी शामिल हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में नकली शराब की वजह से 70 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। शराब की लत छुड़वाने या इसका इलाज कराने के मामले में भी भारत काफी पीछे है। तमाम कोशिशों के बावजूद देश में 38 में से केवल एक व्यक्ति रिहैबिलिटेशन सेंटर में इलाज के लिए जाता है। छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में लोगों को शराब की लत सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, पहले के मुकाबले देश में लोगों में दूसरे तरह के ड्रग्स जैसे कैनबीस, ओपियोइड्स, कोकेन और दूसरे सेडेटिव्स की भी लत काफी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में शराब और ड्रग्स की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आकांक्षा ठाकुर, गो न्यूज़।